अक्सर हमने प्रेम प्रसंग के चलते कई हत्याओं के मामले देखे हैं। ठीक एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से सामने आया है, जिसमें एक बहू ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर प्रेम प्रसंग का खेल रचा और जैसे ही इसके ससुर ने उसे आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने सास ससुर की हत्या कर दी। श्रीनगर के कोतवाली क्षेत्र के भैरोगंज मोहल्ले के रहने वाले 61 वर्षीय गंगाधर अपनी पत्नी भूमन साथ में लड़के प्रेमचंद और बहू अनीता के साथ रहते थे। दरअसल इस मामले में दोनों बुजुर्ग पति पत्नी की रात को सोते वक्त धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, दो दिन पहले उनके घर पर रिश्तेदार देवपाल और मोहित आकर रुके हुए थे। इन दोनों रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि हत्या के बाद से ये दोनों ही फरार हैं। पुलिस का कहना है मृतक की बहू के प्रेम प्रसंग की वजह से उनकी हत्या हुई है। आपको बता दें, मृतक के बेटे ने बताया कि वह घर में सो रहा था, उसको इस हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक युवक को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। दरअसल इस मामले में रोहित और देवपाल दोनों ही जो कि उनके घर आकर रुके हुए थे। अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गंगाधर की बहू ने अपनी बहन के देवर देवपाल को बुलाया था, जो कई दिनों से घर पर आकर रुका हुआ था। वह हत्या के बाद से फरार है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि गंगाधर ने अपनी बहू को उसके रिश्तेदारों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसके बाद दोनों ही बुजुर्ग पति पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए और रिश्तेदार घटना के बाद से ही फरार हैं। अपनी बहू को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद अनीता ने उन रिश्तेदारों को फोन करके बुलाया जिनके साथ एक व्यक्ति और था। रात में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद अनीता ने उन सभी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दे दिया है। यह प्रेम प्रसंग का मामला दिल दहला देने वाला है।